हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उस पर थ्योरी लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं उसको। अगर जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया होगा तो आप थ्योरी का लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कहा से ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक सर्किट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक सर्किट दिया हुआ है, से ये रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद ये पैरेलल ब्रांच में दूसरा रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, और ये हो गया आपका, और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है इस तरह। ठीक है, ये मान लीजिए सी हो गया, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे वोल्टेज है V1 इस टर्मिनल पे, यहाँ पे है V2। अब मान लीजिए हमने कहा ये करंट है I, ये करंट डिवाइड हो गई आपकी, इसमें आ गई I1 और इधर चली गई I2। ठीक है, और फिर ये दोनों करंट यहाँ पे आके मर्ज की, तो ये करंट हो गई आपकी I3। दिस इज द गिवन सिस्टम। और क्वेश्चन क्या है कि ऑप्टेन द ट्रांसफर फंक्शन, ऑप्टेन द ट्रांसफर फंक्शन V2S अपॉन V1S, ये हमको निकालना है। ठीक, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको सिंपली जैसे जो स्टेप्स हमने आपको लिखवाए हैं, पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप वन में हम अप्लाई केसीएल एट नोड ए, एट नोड ए। मान लीजिए ये आपका नोड ए है, ये आपका नोड बी है, तो नोड ए पे आप केसीएल, तो इन केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करेंट, तो आई इज इक्वल टू हो गया आपका I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो I1, देखिए I1 क्या है, I1 इज इक्वल टू सीधा सीधा आपको दिख रहा है V1 माइनस V2 अपॉन R1, और I2 क्या है, I2 आपका कैपेसिटर के क्रॉस करंट कितनी होती है, CdVdt ऑफ V1 माइनस V2, ये हो गया। और I क्या है, I इज इक्वल टू हो गया I3 इज इक्वल टू हो गया आपका सीधा सीधा V2 अपॉन R2। तो ये तीनों वैल्यूज आप इक्वेशन यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन वन में, तो ये हो गया आपका V2 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R1 प्लस C DVdt V1 माइनस V2, ये आ गया। तो इस इक्वेशन को मान लीजिए आप, आपने कहा कि इसको हमने होल्ड करा लिया इक्वेशन वन। ठीक, अब आ जाइए स्टेप टू में। स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका V2S अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 V1S माइनस 1 अपॉन R1 V2S प्लस CS। लाप्लास ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर्टीज या लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना ये जरूर देख लीजिएगा, मैंने जब से ये शुरू किया है आपका तब से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट उसकी प्रॉपर्टी जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये सी एस कहाँ से आया ये तुरंत आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया, इसको अब से और रीअरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा V2S अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 V2S प्लस CS V2S, यानी V2S के सारे जो भी टर्म्स हैं एक तरफ ले आइए और V1 के एक तरफ, तो 1 अपॉन R1 V1S
प्लस सी एस वी वन एस, ये हो गया। तो यहाँ से एक तरह से आप लिख सकते हैं वी टू एस ब्रैकेट में आप लिख लेंगे वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस सी एस इज इक्वल टू हो गया वी वन एस वन अपॉन आर वन प्लस सी एस, ठीक है। तो अब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, वी टू वन अपॉन वी वन एस। तो इसको मान लीजिए एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लीजिए, वी टू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लीजिए आर वन आर टू, ये हो गया आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू सी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका वी वन एस ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर वन वन प्लस आर वन सी एस, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी टू एस अपॉन वी वन एस कितना आ जाएगा, यह सीधा हो जाएगा आर टू प्लस आर वन आर टू, आर टू प्लस आर वन आर टू सी एस डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू सी एस। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप किसी भी गिवन सिस्टम का, जो सिस्टम दिया हो, इन स्टेप को फॉलो करके आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा मान लीजिए गिवन सिस्टम दिया हुआ है हमारा, से सपोज कीजिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, उसके बाद ये हो गया आर टू, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी, और ये हमारा गिवन सिस्टम है। ये हो गया आर वन, ये आर टू, ये सी, यहाँ पे मान लीजिए ई आई टी ये इनपुट वोल्टेज हो गया, यहाँ पे हमें ई नॉट टी आउटपुट वोल्टेज हो गया, ठीक। अब हमें इसको करना है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ये निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे ये जो एक मेश दिख रहा है, इसके अंदर हमने कहा एक करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। अब स्टेप वन फिर से शुरू करते हैं। स्टेप वन में हमने क्या किया, अप्लाई केवीएल, क्योंकि मैश है तो केवीएल लगाएंगे, नोड होता तो केसीएल लगाते। तो हमारा ई आई टी इज इक्वल टू हो गया आर वन आई टी प्लस आर टू आई टी प्लस वन अपॉन सी आई टी डी टी, ठीक। ये हो गई पहली इक्वेशन हमारी। और अब दूसरी ई नॉट टी के लिए आप लिखिए आउटपुट वोल्टेज के लिए, तो ई नॉट टी इज इक्वल टू हो गया आर टू आई टी प्लस वन अपॉन सी आई डी टी, ये हो गया इक्वेशन टू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये स्टेप टू हो गया, चाहे तो आप लिख दीजिए, अब तो कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं स्टेप टू में। तो क्या हो जाएगा, ई आई एस इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू प्लस वन अपॉन सी एस इंटू आई एस, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी ई नॉट एस इज इक्वल टू हो गया आपका आर टू प्लस वन अपॉन सी एस आई एस, ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट अपॉन ई आई एस लिख लीजिए। तो ई नॉट एस अपॉन ई आई एस डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर टू प्लस वन अपॉन सी एस आई एस डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस वन अपॉन सी एस इंटू आई एस, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो सिंप्लीफाई करके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस आर टू सी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आर वन सी एस प्लस
आर टू सी एस, ये आ जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। तो मान लीजिए आपको जो गिवन सिस्टम दिया हुआ है वो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ आपको, कि गिवन सिस्टम सपोज कीजिए ये दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, फिर आपका ये सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया, और सीरीज में ही यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है इस तरह, ठीक, और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, अब इनको जो वैल्यूज़ है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये सी वन आर वन आर टू सी टू, ये आपका ई आई टी और ये आपका ई नॉट टी। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हमने एक करंट मान ली आई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका आप क्या करिए, इसका आप सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो जब इस सर्किट का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे या सर्किट एलिमेंट का, तो ये जो सर्किट एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना आना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पीछे जाके उसको जो है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसका ई आई टी हो गया और यहाँ ई नॉट टी हो गया, जब आप इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस तो वही रहेगा आर वन आर टू, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा वन अपॉन एस सी वन, वन अपॉन एस सी वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन एस सी टू, ये अंतर आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब क्या होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले जेड वन मतलब ये सपोज कीजिए ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे जेड वन। ठीक है, तो जेड वन इज इक्वल टू हो गया हमारा आर वन इंटू वन अपॉन एस सी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन एस सी वन, दोनों पैरेलल में है, ये आ गया आपका आर वन अपॉन आर वन सी वन सी एस प्लस वन। ठीक, ऐसे ही जेड टू कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये जो हम आपको बता दें इसको जो है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जेड वन और ये हमारा हो गया क्या जेड टू, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जेड टू कैलकुलेट करेंगे तो जेड टू कितना हो जाएगा, जेड टू में देखिए दोनों सीरीज में है तो आर टू प्लस वन अपॉन एस सी टू, सीधा सीधा, तो ये हो गया आपका आर टू सी टू एस प्लस वन अपॉन एस सी टू। ठीक है, अब ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट एस अपॉन ई आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा जेड टू एस अपॉन जेड वन एस प्लस जेड टू एस, ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर डालिए, तो इनकी वैल्यू रख देंगे तो जेड टू एस कितना हो जाएगा आर टू सी टू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस सी टू अपॉन जेड वन कितना हो गया आर वन अपॉन आर वन सी एस, ठीक है, प्लस वन आर वन सी वन, अच्छा ये सी एक्स्ट्रा में जब अस्थि लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, ये सी यहाँ पे ये सी, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर वन अपॉन आर वन सी वन एस प्लस वन प्लस आर टू सी टू एस प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा एस सी टू। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा वन प्लस आर वन सी वन एस इंटू वन प्लस आर टू सी टू एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आर वन सी वन
एस और 1 + R2 C2 S प्लस R1 C2 S, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक म्यूचुअल इंडक्शन का जो है, ठीक है, एक म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन कराना चाह रहा था मैं, वो आप और कर लीजिए ताकि उस तरह के भी न्यूमेरिकल आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सपोज कीजिए एक ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने कहा कि ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है और ये एक कॉइल लगी हुई है इस तरह, ठीक। फिर दूसरी साइड भी ये एक कॉइल लगी हुई है, फिर एक कॉइल यहाँ पे भी लगी है, फिर एक कैपेसिटेंस लगा है और फिर एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे हम E2 वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम E1 अप्लाई कर रहा है, ठीक। अब इसको, अच्छा, ये रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये L1, L2, L3, C2, R2, और चूंकि ये ट्रांसफार्मर कपल्ड सर्किट है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज ए ट्रांसफार्मर कपल्ड सर्किट, तो यहाँ पे ये डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें आपस में जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसका कोफिशियंट है एम, ये म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशियंट दिया हुआ है एम। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन ट्रांसफार्मर कपल्ड सर्किट। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप दोनों मेश में, इसमें आपने करंट मान लिया I1T और इसमें आपने करंट मान लिया I2T, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई KVL KCL सारी लेक्चर्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप उन लेक्चर को रिफ़र कर लीजिए, आपको KVL KCL लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अप्लाई KVL, सॉरी KCL लिख दिया हमने, KVL, ठीक है, इन बोथ मेशेज। तो क्या हो जाएगा, E1T इज इक्वल टू हो गया आर I1T प्लस 1/C1 I1DT प्लस L1 dI1 dt माइनस M dI2 by dt। ये म्यूचुअल इंडक्शन का ये इफेक्ट पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब E2T क्या होगा, E2T सीधा सीधा हो जाएगा R2 × I2T, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफर, अच्छा, एक ये एक मेश हो गया, एक ये हो गया और एक एक जो आउटर मेश है उसको लेंगे, आउटर मेश को लेंगे तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी 0 = R2 I2T प्लस L3 + L2 dI/dt ऑफ I2T प्लस 1/C2 I2T माइनस M dI/dt ऑफ I1T। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन 1, 2 और 3 है, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा E1S इज इक्वल टू आ जाएगा I1S ब्रैकेट में ले लिए और ये हो गया R + 1/C1S + SL1, ये हो गया माइनस SM I2S, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E2S
इज इक्वल टू आर टू आई टू एस, ये हो गया। और जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी जीरो आई टू एस आर टू प्लस एस एल टू प्लस एल थ्री प्लस वन अपॉन एस सी टू माइनस एस एम आई वन एस। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म निकाला है हमने उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा जी एस इज इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा एस क्यूब आर टू सी वन सी टू एम। उनको सॉल्व कर लीजिएगा आप, सॉल्व करके आई वन आई टू को इलिमिनेट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा एस आर टू सी टू प्लस एस स्क्वायर सी टू एल टू प्लस एल थ्री प्लस वन एस स्क्वायर एल वन सी वन प्लस एस सी वन आर वन प्लस वन एम स्क्वायर एस की पावर फोर सी वन सी टू। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा गिवन सिस्टम का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन पे अगर आप ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे क्वेश्चन करने में। अगर कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।